बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग विदेशों में नौकरी करने का सपना देखते हैं। भोले भाले लोगों को इसी सपने का फायदा उठाकर उन्हें विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों पैसे वसूले जाते हैं। पैसे देते वक्त इस बात का अंदाजा शायद नहीं होता कि आपके साथ जालसाजी होगी, तभी तो लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब विदेशी धरती पर एहसास होता है कि न सिर्फ आपके साथ जालसाजी हुई है बल्कि आप बुरी तरह फंस गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेरोजगार अगर रोजगार की तलाश में है तो सावधान हो जाएं, आप पर हो सकती है जालसाजों की नजर। घर बैठे रोजगार की बात हो या सरकारी नौकरी की बात, विदेशों में नौकरी करने का सपना देखने वाले हो जाएं सावधान। आए दिन विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले सामने आते ही रहते हैं। फिर भी कई ऐसे भोले भाले लोग हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन की तमाम जमा पूंजी जालसाजों के चंगुल में फंसकर गवा बैठते हैं। जब तक कबूतरबाजी का एहसास हो पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मेरठ के मवाना से सामने आया। दो एजेंट्स ने उसे सऊदी अरब भेज दिया। 1.5 लाख रुपए देने के बावजूद सुल्तान सऊदी अरब में भेड़ बकरी चराने को मजबूर है। कबूतरबाजों के चंगुल में फंसे सुल्तान ने जब भारत वापस भेजने की बात कही तो उससे सऊदी में और पैसों की डिमांड की गई। और तो और पुलिस से शिकायत करने पर उसे सऊदी में जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। सुल्तान के साथ हुई इस जालसाजी का एहसास सुल्तान के परिजनों को तब हुआ जब उन्हें उनके बेटे का फोन आया। सुल्तान ने परिजनों से और पैसे भेजने की बात कही। सऊदी अरब में बेटे के साथ हुई धोखाधड़ी और फिर बेटे का फोन न आने से परेशान सुल्तान के परिजनों ने थाने में पहुंचकर अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसा एक प्रार्थना पत्र थाना मवाना का प्राप्त हुआ है, उसमें जो दो लोगों पर बुलाए गए हैं, उन्होंने लोगों को थाना में बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए। समस्त कागज जल के जाएंगे कि किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट था, किस प्रकार की सेवा हेतु बाहर भेजा गया था। यदि इस प्रकार की कोई बात सामने आती है तो आपसे प्रति कार्रवाई। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई की बात जरूर कह रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस के नाक के नीचे न जाने कितने कबूतरबाज गैंग आज भी सक्रिय हैं, जो आए दिन बेरोजगारों को अपना निशाना बना रहे हैं। अगर वक्त रहते जालसाजी के काम में लगे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर दी जाए तो लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई जा सकती है। मेरठ से मनव्वर चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।